हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर या बैकएंड जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग में आपका स्वागत है और ये है एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कुछ नया। और आज का जो टॉपिक है वो है किस तरीके से बोनस को कैलकुलेट करें। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो भी एम्प्लॉई है और जिन एम्प्लॉई का ग्रेड ए या बी है उन्हें 10% बोनस मिलना चाहिए और जिनका ग्रेड सी है उन्हें 10% बोनस नहीं मिलना चाहिए। और रिक्वायर्ड आउटपुट जो आंसर है वो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू ऐसी कंडीशन बनानी होगी कि ए और बी ग्रेड वालों को ही 10% का बोनस मिल जाए। तो हम किस तरीके से बोनस निकालेंगे ये चीज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक तो लगाना पड़ेगा इफ और कंडीशन। तो यहाँ पे हमने लगाया इक्वल इफ, उसके बाद ब्रैकेट, फिर लिखा और कंडीशन के लिए और ब्रैकेट लगाया। अब ब्रैकेट लगाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो अगर ये वाली जो सेल है वो बराबर हो किसके, ए ग्रेड के, तो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम ए लिख देंगे और फिर उसके बाद कोटेशन मार्क दोबारा लगाएंगे, कॉमा, यदि ये सेल की जो वैल्यू है वो बराबर हो या तो बी के, फिर कोटेशन मार्क लगाया और फिर ब्रैकेट को बंद करा, या तो ये वैल्यू हो बराबर ए के या वैल्यू बराबर हो बी के, तो उसके बाद लगाएंगे कॉमा, तो सैलरी का स्टार 10% बोनस कैलकुलेट हो, अन्यथा जो आंसर है या सेल है वो ब्लैंक हो जाए। तो ये कोटेशन मार्क के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ए ग्रेड था इसलिए यहां पे वैल्यू आ गई। अब हम इसे नीचे की ओर ड्रैग करते हैं और अब आप देखेंगे कि जहां पे सी ग्रेड है तो उसमें कैलकुलेशन नहीं हुई, और जहां पे सी ग्रेड है वहां कैलकुलेशन ना हो के, और जहां ए और बी ग्रेड है वहां पे 10% सैलरी का निकल चुका है। तो ये फॉर्मूला था किसी भी बोनस को कैलकुलेट करने का कंडीशंस के साथ। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।